मध्य प्रदेश में बस संचालन को लेकर शासन ने हरी झंडी भले ही दे दी हो, लेकिन बसों के पहिए अभी भी थमे हुए हैं। आपको बता दें कि कोरोना काल के चलते शासन ने बस संचालकों को टैक्स में रियायत बरती। ऐसे में आर्थिक तंगी के बोझ तले 5 माह से बेरोजगार बैठा चालक परिचालक संघ भी अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर शासन को समय समय पर अवगत कराता चला आ रहा है। समय निकलने के बाद अपनी मांग पूरी न होने की दशा में खरगोन जिले का भारतीय मजदूर संघ सड़कों पर उतरा और सांकेतिक रैली के माध्यम से शासन प्रशासन को समस्या से अवगत कराया। वहीं प्रशासनिक अधिकारी ने नदारद रहने पर संघ ने मां नर्मदा की गोद में ज्ञापन सौंपा। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। हमारी मांगे 3 थी चालक परिचालकों की। पहली तो कोरोना योद्धा हमें घोषित किया जाए, क्योंकि कोरोना काल में हर डॉक्टर आशा कार्यकर्ता इनको कोरोना योद्धा घोषित किया है, वैसा हमारा चालक परिचालक को भी कोरोना योद्धा किया जाए। दूसरी मांग ये हमारा कि विगत 5 महीने से हम घर बैठे हैं, ना कोई काम कर पाए ना कुछ कर पाए, सबका काम चलता रहा लेकिन हमारी बसों का संचालन नहीं हुआ। उसमें 5 महीने का मोटर मालिकों का टैक्स भी माफ़ हुआ, लेकिन 5 महीने में हमारे मामा जो शिवराज सिंह चौहान हैं उन्होंने 5 महीना हमारा कोई ध्यान नहीं रखा। तो हम उनसे मांग करते हैं कि 5 महीने का हमें वेतन दिया जाए। और आखिरी है कि जो 2014-15 में उन्होंने घोषणा की थी योजनाओं की, वो हमें वो योजना की 2014 की घोषणा लागू की जाए। आज आप लोगों ने रैली निकाली है ना, नाराजगी जाहिर किया, हालांकि अधिकारी नहीं पहुंचे, आपने माँ नर्मदा को ज्ञापन सौंपा है, क्या मांग रखी है और अगर आप भी सुनवाई नहीं होती है तो आप अगला कदम क्या रहेगा आप लोग? हमारा अगला कदम भोपाल का है और हमारी मांग पूरी नहीं होती तो पूरे 9 जिलों के, पूरे 53 जिलों के वहाँ पे चालक परिचालक इकट्ठा होके आंदोलन करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।